हेलो गाइस, आई एम हेतराम फ्रॉम एनसीआर राइडर्स। तो जो गाइस आज की हमारी वीडियो है वो है कि जो हमारी डबल डिस्क गाड़ी आ रही है, यानी कि क्लासिक हो गई, थंडरबर्ड हो गई, तो गाइस उनमें एक प्रॉब्लम रेगुलर आती है कि बहुत सी गाड़ियां हैं वो बीच रोड पे जाम हो जाती हैं। तो गाइस क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है उनमें जिसकी वजह से वो बीच रोड पे जाम हो जाती हैं? और गाइस ये प्रॉब्लम है जो ये खाली जो रियर डिस्क जो पहिया है उसी में आती है। और गाइस अगर किसी का भी पहिया जाम हो जाए तो कैसी स्थिति हो जाती है, और तो उससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो गाइस अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो तो आपको बाइक में क्या काम कराना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारी बाइक, और गाइस इसका पहिया जाम हो जाता है। इसका पहिया करीब 3 या 4 बार रोड पे जाम हो चुका है। तो अब देखिए ये पहिया घूम रहा है क्योंकि कस्टमर ने इसके जो प्लेट होती है रियर डिस्क ब्रेक की उसके ऊपर पानी डाला था, क्योंकि वो बिल्कुल रेडिश हो गई थी, यानी कि लाल हो गई थी गर्म होने की वजह से। तो इस पर पानी डाला था जिसकी वजह से पहिया घूमने लग गया इसका। तो गाइस कभी भी अगर आपकी बाइक का पहिया जाम हो जाए, या तो उसको 10 मिनट के लिए फ्री छोड़ दें अगर आपके पास पानी अवेलेबल ना हो तो। अगर आपके पास पानी अवेलेबल हो तो आप उसकी प्लेट के ऊपर पानी डाल सकते हैं। तो गाइस ये पहिया थोड़ा टाइट है, अब हमें क्या करना है, इसका पहिया खोलना है, और हम इसकी जो कैलीपर होता है इसका डिस्क ब्रेक का, उसकी ओरिंग किट चेंज करेंगे, वो भी जेन्युइन। तो पहले इसका पहिया खोल लेते हैं। ये देखिए पहिया खुल गया है, इसका एक्सल निकाल के इसका कैलीपर बाहर निकालेंगे। ये गाइस इसका कैलीपर निकालना है क्योंकि उसमें से पिस्टन निकालना है हमको, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये ओरिंग ख़राब होने की वजह से जाम होता है। क्योंकि जैसे ही इसकी डिस्प्ले गर्म होती है तो जो हमारे ओरिंग है वो बाहर निकल आते हैं, और पिस्टन एकदम बाहर निकल आता है और बाइक जाम हो जाती है। तो गाइस आज हम इसमें ओरिंग किट डालेंगे इसकी ग्रीसिंग करके। तो गाइस पिस्टन निकालने के लिए हमें क्या है, इसमें ब्रेक पैडल मारने पड़ेंगे क्योंकि अभी प्रेशर बना हुआ है, नहीं तो अगर हम पिस्टन को एज इट इज निकालेंगे तो वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो ये देखिए पिस्टन जब पैडल मारोगे तो ऐसे बाहर आएगा ये, क्योंकि अभी प्रेशर बना हुआ है। ये देखिए गाइस ये ऐसे निकल जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं इसके ओरिंग निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। ये पिस्टन है हमारा, ये इसका ऑयल निकाल दिया। अब इसके ओरिंग निकालने हैं हमें, और ओरिंग निकाल के हमें इसमें नए चेंज करने हैं क्योंकि ये जाम होने लग जाते हैं और ये रस्ट पकड़ने लग जाते हैं। अब जो हम ओरिंग किट इसमें डालेंगे वो ग्रीसिंग करके डालेंगे, और इसको कैलीपर को अच्छे से साफ़ करेंगे, वो भी पानी से। ये देखिए गाइस ये इसकी ओरिंग किट है, ये कंपनी जेन्युइन है रॉयल इनफील्ड की। ये देखिए नई है, इसमें ग्रीस भी आती है और इसकी रबड़े भी आती हैं जो हमारे कैलीपर की जो पिन चलती हैं। तो हमें पूरा सेट चेंज करना है इसमें और पानी से साफ़ करना है इसको। ये देखिए गाइस इसको मैंने साफ़ कर दिया है, फिर इसको कपड़े से साफ़ करना है और छोटे पेचकस, यानी कि पिन पेचकस कह सकते हैं, या फिर छोटा स्क्रू ड्राइवर, उसकी मदद से इसके अंदर के जो खांचे हैं या फिर जो लाइनिंग है उसको साफ़ करना है ताकि उसमें रस्ट ना रह सके, और फिर इसमें ओरिंग सेट करने हैं हमें। तो गाइस अब इसमें जाम होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ओरिंग ग्रीसिंग करके लगाएंगे तो हमारा पिस्टन है जो वो अप डाउन अच्छे से करेगा और हमारे डिस्क ब्रेक भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए ग्रीसिंग करके, ये गाइस ये ग्रीसिंग वाइट कलर की आती है ग्रीस, जो
ये स्पेशल ओरिंग के लिए ही आती है। ये देखिए गाइस ओरिंग इसमें सेट कर दिए मैंने। गाइस इनको सेट अच्छे से करना है ताकि ये जब आप पिस्टन इसमें फिक्स करोगे तो ये कहीं पे अटके ना, वो आराम से इजीली घुस जाए पिस्टन उसमें। और पिस्टन को भी अच्छे से साफ़ करना है और इसको ग्रीसिंग करके तभी लगाना है। ये देखिए गाइस पिस्टन इसमें घुस गया है बट वो बिल्कुल लास्ट तक नहीं जा रहा है क्योंकि उसके अंदर एयर बनी हुई है। तो गाइस हम इसका एयर का नट खोलेंगे, जो हमारा एयर का बोल्ट होता है एयर निकालने वाला, क्योंकि वो असेंबली में आया है साथ में चेंज करने के लिए, तो हम नया चेंज करेंगे इसको। ये देखिए गाइस ये नया है, इसमें पहले ग्रीसिंग लगा देते हैं थोड़ी। और गाइस ये फिट करने के बाद आपके जो ब्रेक हैं बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फिर ब्रेक्स में। अब हम इसको फिट कर देंगे पहिए में जैसे हमने खोला था इसको। और गाइस इसके जो डिस्पैड है वो काफ़ी हद तक घिसे हुए थे और उनका लोहा टच होने लग गया था, तो हम इनमें इसमें नए डिस्पैड डालेंगे जो कंपनी जैन बनाते हैं। बाई ब्रेक है तो गाइस ये देखिए फिट कर दिया है मैंने। अब इसका एक्सल लगा देंगे हम ग्रीसिंग करके, ताकि एक्सल निकालने में दिक्कत ना हो, ताकि अगर कोई भी मैकेनिक दूसरा भी खोले इसको तो इजीली ये निकल जाए एक्सल। और इसका नट टाइट कर देंगे। ये देखिए गाइस इसमें नए ब्रेक्स मैंने लगाए हैं, ये देखिए दिख रहे होंगे आपको। अब हम इसका बनाएंगे प्रेशर। तो गाइज ये सुनने में आया कि रियर डिस्क ब्रेक का प्रेशर नहीं बनता, तो उसके लिए क्या करें? तो गाइज ये देखिए 60 ml का आपको एक इंजेक्शन लेना है। और इसमें किस तरीके से इसको जो इसकी सिरेंज है इसको लगाना है, ये देखिए यहाँ से इसको काट के, ताकि इसमें से जो ऑयल है वो अच्छे से पास हो सके। और ऐसे ही हमारी जो इसकी नीडल है उसको भी ऐसे ही काटना है। और ये देखिए टूट गई है तो मैं दूसरी लगा देता हूँ। ये गाइस काट के इसको ऐसे फंसा लेना है और इस पर थोड़ी सी फेविक्विक लगा देनी है नीचे की तरफ कोने पे, ताकि इसमें से ऑयल लीक ना कर सके और ये हमारा निकल भी ना सके। और गाइस जब मैं दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ पे आपको ये लगाना है, गाइस मैं आपको पूरा यकीन देता हूँ, अगर आपके 2 या 3 मिनट में ब्रेक ना बन जाए तो ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने तो बहुत बाइकों के ब्रेक तैयार कर दिए। लेकिन कई बंदों का मैसेज आया कि भाई इसके ब्रेक बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो गाइस ये जो ट्रिक है ये एक नंबर की ट्रिक है, ना ही तो कोई नुकसान होगा इससे ना ही कुछ, और आपका समय भी बच जाएगा। तो ये देखिए गाइस ये सिरेंज मैंने भर दिया है इंजेक्शन, और इसको हमें पाइप में घुसाना है। और बाइक को स्टार्ट करके एक बंदा इसको दबाएगा और दूसरा पैडल मारेगा, ब्रेक पैडल जल्दी जल्दी। ये देखिए पहिया रुकने लग गया इसका, मैंने स्टार्ट कर दिया था बाइक को और ये देखिए रुक गया है पहिया और आपका प्रेशर बन गया है। आपको आधी मिनट भी नहीं लगेगी अगर आप तरीके से अच्छे ढंग से काम करोगे तो। ये देखिए प्रेशर बन चुका है इसका, बट हमें क्या करना है अभी इसकी एक बार एयर निकालनी है, क्योंकि एयर में बबल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेक फेल होने का डर रहता है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑयल कैसे काम कर रहा है इसमें, क्योंकि ये हमारा एयर का जो बोल्ट है इसको हम लूज करेंगे और इसमें फिर 6-7 पैडल मारेंगे तो गाइस देखिए ऑयल कैसे आएगा और जो इसके एयर है वो निकल जाएगी। ये देखिए और इसको हम टाइट कर देंगे और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस, यानी कि सिरेंज को दबाएंगे अच्छे प्रेशर के साथ और एक बंदा पैडल मारेगा।
गाइस सिरिंज का प्रेशर लीक ना हो वैसे, ये ध्यान रखना। और ये देखिए ब्रेक इसके हार्ड हो गए, बन गए, तो गाइस अब ये दिक्कत नहीं करेगी। और एक काम हमें ये करना है कि जो हमारा ब्रेक पैडल है उसमें हमें थोड़ी प्ले रखनी है, यानी कि चाल रखनी है, ताकि अगर किसी भी भाई का पैर उससे टच हो, क्योंकि ब्रेक पैडल के ऊपर सबका पैर रखा ही रहता है, तो अगर वो रखे रहने की वजह से भी आपकी जो प्लेट है वो जाम हो जाती है, गर्म होके जाम हो जाती है, तो उसमें इतनी प्ले रखनी है कि अगर आपका पैर उसमें रखा रहे जो ब्रेक पैडल के ऊपर, तो गाइस उससे आपकी जो प्लेट है वो इफेक्टेड ना हो, वो गर्म ना हो पाए, तो उसमें हमें प्ले रखनी है थोड़ी। वो प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी रखनी है। और जैसे हमने इसके पाइप निकाले थे ऐसे ही हम क्लैंप करके इसको लगा देंगे और इसमें नया ऑयल डाल देंगे। तो गाइज आप इसमें डॉट फोर किसी भी कंपनी का, या तो बोस का हो या फिर रॉयल इनफील्ड का हो, कोई भी आप डॉट फोर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जो इसका ऑयल का ग्रेड है। और ब्रेक आपके इजीली बन जाएंगे, आपका प्रेशर मात्र 2 या 3 मिनट के भीतर आराम से बन जाएगा। तो गाइज हमारी बाइक का प्रेशर बन चुका है, अब पैडल इसका, और मैंने ब्रेक को सेट भी कर दिया है, पैडल की एडजस्टिंग कर दी है। और गाइज अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।